अरे पता है, कल मेरे पापा ने ओडी कार ली। और तो और मेरा सर्वेंट है ना, उसको कल हम गाड़ी गिफ्ट करने वाले हैं। हाँ, मेरे पापा भी बोल रहे थे BMW निकालेंगे इस मंथ। अरे 9 बज गए, लेट भी हो रहा है बहुत। ए रुको रुको, हम भी आ रहे हैं। पापा बिजनेसमैन। वैसे कौन कौन सी गाड़ियां हैं तुम्हारे पास? हमारे पास तो 2 फोर व्हीलर है और 1 पर्सनल KTM है मेरा। वाह ब्रो, तेरे पास KTM है? तो कल आना ना, साथ में जाएंगे स्कूल। देखो कल तो दोनों हम लोग नहीं आएंगे, लेकिन परसों पक्का तुम KTM लेके आओगे। ठीक है भाई। अरे यार, उन लोगों को तो बोल दिया कि KTM लेके आए हैं, लेकिन अब कहाँ से लाए KTM? पापा से बात करके देखते हैं, वैसे भी आज तक तो कुछ दिलाए नहीं है, क्या पता एक बार कुछ दिला दे। पापा मुझे एक न्यू बाइक चाहिए, वो भी KTM। तुम पागल उगल हो गया क्या? हाँ अब तो हम पागल हो गए हैं ना, आज हम आपका कोई बहाना नहीं सुनने वाले हैं। हमको सब पता है, आप जितना भी पैसा कमाते हैं सब्जी बेच के सब बैंक में जाके जमा कर देते हैं। बेटा ऐसे मत बोलो, बेटा तुम चुप रहो। हमको न्यू बाइक चाहिए तो चाहिए। बेटा तेरी बात भी सही है, जो पिता अपने बच्चों की ख्वाहिश नहीं पूरी कर पाए वो पिता ही क्या, लेकिन तू भी मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश कर बेटा। बेटा मैं उतना सक्षम नहीं हूँ कि तुझे इतनी महंगी गाड़ी दिला सकूं। तू नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? हम आपका मीठा मीठा बाद में नहीं आने वाले हैं। आप जब तक हमको नया बाइक नहीं दिलाइएगा हम घर लौट के नहीं आएंगे। जा रहे हैं। आप हमको कुछ बोलने क्यों नहीं दिए? देखो तुम्हारा भी बात सही है और उसका भी बात सही है, हम एक बाप होने के नाते आज तक उसके लिए किया ही क्या है, तो आप क्या कीजिएगा, उसको बाइक दिला दीजिएगा। चलो देखते हैं। साहब ये रहा मेरा जमीन का कागजात। भैया एक बार और सोच लीजिए। हम सोच लिए हैं। ठीक है, तुम्हारा बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। पापा दिमाग मत ना खराब करो, जाओ ना यहाँ से। पक्का घर नहीं ना जाएगा? नहीं। ठीक है, दो अपना KTM का चाबी।
अरे सुबह सुबह रोशन बुला लिया और अभी तक केटीएम लेके आया नहीं है। वो देखो आगे। अरे कैसा लगा मेरा बाइक? वाह यार अच्छा लग रहा। हाँ यार वाकई बहुत बढ़िया। पीयूष कहीं नजर नहीं आ रहा है, कहाँ गया है? अरे पीयूष पीयूष तो अपने पापा के संग BMW खरीदने गया। सब्जी ले लो कोई सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। रोशन यहाँ क्या कर रहा है? स्कूल ले गया क्या आज? बेटा यहाँ क्या कर रहा है? पापा। अरे रोशन तो ये पापा है सब्जी वाला। अबे छोड़ो यार ये कैसा आदमी है सर, इतना गरीब। चल चल इससे दोस्ती नहीं करना। मिल गया ना आपको शांति मेरा बेइज्जती करा के? आपको तो पापा बोलने में भी शर्म लगता है, बाप के नाम पे धब्बा धब्बा। भगवान किसी को भी आपके जैसा पापा नहीं दे। रोशन बेटा रोशन रुको रुको बेटा। अब आपको क्या हुआ? बेटा उस दिन भैया हमको कुछ बताने नहीं दिए, तुमको असलियत का पता चलना चाहिए। हम तुमको बताते हैं क्या असलियत। एक पिता की एक ही तो ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा हमेशा खुश रहे, पर वो तो मेरे कारण ही दुखी है और मैं उसकी नजर में गिर चुका हूँ। उसने सच बोला था, मैं पिता के नाम पे धब्बा हूँ। मेरा इस दुनिया में रहना या ना रहना अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मर जाना चाहिए। Thank you.
पापा आप ये क्या करने जा रहे थे पापा? अगर आपको कुछ ज्यादा तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। पापा हमको माफ कर दीजिए पापा, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। जब हम ऐसा कर रहे थे तब आप हमको डांटे क्यों नहीं? चाहे तो आप हमको एक थप्पड़ मार लेते। पापा हमको कुछ नहीं चाहिए पापा, हमको बस आपका प्यार चाहिए। आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। चलो कम से कम तुमको अपना गलती का एहसास तो हुआ। मेरी दुनिया, मेरा सारा जहान है आप, मेरे लिए सबसे महान है आप। अगर मेरी माँ मेरी जमीन है तो पापा मेरा पूरा आसमान है आप। तो गाइस यार कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, जल्दी 1K भी होने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।